तो हमारे प्रधानमंत्री शहीद हो गए लोग यहाँ पे। राजीव गांधी काफी ईमानदार छवि के थे, लेकिन उन्हीं के ऊपर लग गया किस चीज का, बफोस तोप का घोटाला। और बफोस तोप पे घोटाले का आरोप नहीं लगा था, बफोस तोप पे आरोप इस बात का लगा था ना कि ये तोप खराब है, इसे खरीदा क्यों गया है। जैसे राफेल पे बात होती है ना कि महंगा खरीदा गया है, कोई ये नहीं ना कहता कि राफेल खराब है, तो बफोस तोप में ये नहीं कह रहा था कि कोई महंगा खरीदा गया, कहा गया कि इसको कमीशन अच्छा मिला है इसलिए खराब तोप खरीद के लेके चलाया, बफोर्स अच्छी तोप नहीं। लेकिन 1999 में कारगिल की लड़ाई में बफोर्स ही था जो बुखार छोड़ाया था इन लोग का। हम लोग अभी अपना बना रहे धनुष, सबसे तगड़ी सिक्योरिटी किसकी होती है? SPG। ये केवल प्रधानमंत्री को मिलती है, इससे थोड़ी सी कम इसमें NSG के जवान होते हैं लोग। SPG में, SPG बहुत तगड़ी, इससे भयानक सिक्योरिटी किसी की नहीं होती SPG के। और उसके बाद Z+, Z, Y, Y। हालांकि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी बहुत भयानक, कई लेयर की सिक्योरिटी दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ PM है ना, तो PM के पहला घेरा जो रहेगा SPG का रहेगा, ये पहला घेरा जो रहेगा PM का SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, इसके बाहर वाले घेरे में ना NSG वाले रहेंगे, NSG, क्योंकि SPG में ना NSG भी मिली रहती है, NSG, गलती लिखीजिए जी, ठीक तो लिखे थे NSG, ठीक है, हमको लगा गलती लिख दिया। तो पहले PM, फिर और उसके बाद NSG, उसके बाद जो CRPF वाले होते हैं ना, Z+ वाले, तो उसके बाद कौन होता है? CRPF कौन रहेगा? CRPF के जवान की क्या रहेगी? सुरक्षा रहेगी। उसके बाद जो रहेंगे लोग ना, स्टेट कमांडो रहेंगे, स्टेट पुलिस के क्या रहेंगे? कमांडो रहेंगे। बिहार में रहेंगे तो बिहार पुलिस के कमांडो रहते हैं वहां पे। बहुत देखिएगा ना, जब भी कोई बड़े रैंक का अधिकारी चलेगा DIG IG ना, तो एक खुला जिप्सी में एगो लेकर रखे रहते हैं यहाँ पे, जहां ताम जाम होगा खोपड़िए पे मार देता है यहाँ पे। तो स्टेट पुलिस का क्या रहता है? कमांडो। उसके बाद रहेगी आपकी स्टेट पुलिस, स्टेट की जो ये जो पारा, जैसे बिहार में रहेगा तो BMP के जवान रहेंगे, तो स्टेट पुलिस के कुछ स्पेशल रहेंगे लोग, स्टेट पुलिस वाली रहेगी। उसके बाहर जो रहेंगे लोग, ये लोग ट्रैफिक वाले रहते हैं, ट्रैफिक वाले सब, रुक, सड़क से जाएंगे प्रधानमंत्री जाएंगे, रुक, धार दो निकला वहां पे पुलिस का, फिर कमांडो उसका, फिर CRPF का, NSG का, उसके बाद SPG का, फिर एगो गाड़ी किसका? प्रधानमंत्री का। और उसी से मिलता जुलता दो तीन गो रहेगा, सेम जिस गाड़ी में प्रधानमंत्री रहेंगे उसी से मिलता जुलता, सेम कंपनी, सेम कलर के दो तीन गो गाड़ी रहेगी, पते नहीं चलेगा, इतना पता चले ये तीनों में से किसी एक में होंगे, लेकिन वो तीनों में से कौन नहीं पता। और फिर उसके पीछे सेम ऐसे प्रधानमंत्री भाई, इतना भयंकर सिक्योरिटी होती है यहाँ पे। और कई को बैल इनको मारने चलाता है सो अभी, अरे लोल कहीं का, ये तुम दो पहले यहाँ बिहार पुलिस से निपटो, नहीं समझ आया, मारने से पहले निकलवा लेगी, कितना है रे बता खाली हो गई लो मारने है भाई यहाँ से, समझ रहा कि नहीं? अरे बिहार पुलिस को मैनेज करना, ये लोग भी ना जो होते हैं ना, हमारे यहाँ बिहार को संभालना भी बड़ा मुश्किल है, फर्जी मुकदमा पड़ोसी पे लिखवाने के मामले में हम बिहार वालों का नंबर सबसे आगे है, देख लेंगे। अच्छा बबुआ का लड़का IAS की तैयारी कर, तो खान सर के यहाँ पढ़ेगा, UPSC निकालेगा, रुक बताइए तो यहाँ गांव में खेत का लड़ाई होगा, नाम डाल देगा आपका, अरे होता है यहाँ पे, अरे सब बहुत ज्यादा होता है यहाँ पर। अब तो बहुत सारे अपने लड़के जाते हैं ना, वो कहते हैं सर नाम डालने आता है तो हम लोग डरा देते हैं, यहाँ जितना लड़का अपने यहाँ से जाता है सबको हम कहते हैं पहले ही कि देख ऐसा होगा, तो पहले ही डरा देता है, अरे इथा लड़का फंस जाएगा, उल्टा दो बार तीन बार डांटेगा वो तो अपने से कहे ना ये नहीं था, तो काहे नाम डाला यहाँ पे, तब तो तुम ऐसा भी फर्जी डाला ना सा भाई, चार गो थे सब, ठीक होकर हटा देते हम। इतना तो कम से कम सुधार हुआ ना, ऐसे नहीं कि कुछ लिखवा दीजिएगा वहां पे, किसी का फ्यूचर बर्बाद होने नहीं देना चाहिए। तो ये समझ में आया, सबसे तगड़ी सिक्योरिटी हाँ SPG। आर्मी का एक बटालियन है राष्ट्रीय राइफल, जैसे बिहार रेजिमेंट है वैसे राष्ट्रीय राइफल है, सिख रेजिमेंट है, कश्मीर लाइट इन्फेंट्री है, नागा रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, बिहार रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट है, राजपूताना है, तो बहुत सारे क्या है उससे राष्ट्रीय राइफल है। तो RR जो है ना राष्ट्रीय राइफल, उनकी ज्यादातर ड्यूटी कश्मीर में ही लगी है, इसलिए आतंकवादियों को सबसे ज्यादा किसी ने मारा है तो किसने मारा है? RR ड्यूटियां लगी है उन लोग की वहां पर। और कोई जंगल में लड़े ना नागा रेजिमेंट से आ जाए तो नहीं, नागा रेजिमेंट से जंगल में नंगे पर दौड़ा देगा सब सब, अब बाकी लोग नंगे पर में बांस गो गिलो बाप रे गिर उड़ के अपने मर जाए सब, नागा रेजिमेंट बांस काट के पानी पी लेता है सब,
उनको पूरा आइडिया है जंगल में कैसे लड़ना चाहिए कैसे नहीं। यहाँ पे अमेरिका की फौज को जंगल में उतारेंगे, बिस्लरी को जगह कोई दुकान नहीं है यार यहाँ पे बिस्लरी कोई दुकान नहीं है। आगे बढ़े, डीएम की सिक्योरिटी कौन करता है? डीएम की सिक्योरिटी पुलिस करती है, उस डिस्ट्रिक्ट की पुलिस करती है। डीएम का काम किसी अपराधी को पकड़ना थोड़ी, वो तो एसपी का काम है। डीएम का काम है टैक्स कलेक्ट करने रहना, टैक्सेशन के चीजों को मेन काम होता है। बिजली विभाग का बिल ठीक से दिया कि नहीं, गांव का टैक्स दिया कि नहीं, सरकारी जमीन तो नहीं कब्जा लिया, सरकारी जमीन का टैक्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सैलरी प्रॉपर मिल रही है कि नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में काम चल रहा है कि नहीं, उसका काम है एग्जीक्यूट करना। सिक्योरिटी देखना काम किसकी है? एसपी। इसलिए कभी भी देखिएगा तो डीएम से ज्यादा सिक्योरिटी किसकी रहती है? एसपी। एसपी 10 गो के इनकाउंटर कर ले रहता है, अकेले घूमेगा तो निपटा देंगे सब। ये सब गृह मंत्रालय के अंदर जितना देख रहे हैं ना, ये सब किसके अंदर में? गृह मंत्रालय। एसपी जी गृह मंत्रालय, एनएसजी गृह, इसी को क्या कहते हैं? ब्लैक कैट कहते हैं। डायरेक्ट एनएसजी में नहीं जा सकते ना एसपीजी में, आपको पहले पुलिस में जाना होगा या फिर सीआईएसएफ, इसमें कहीं ना कहीं जाना होगा। अब जब यहां जाएंगे ना तो आपकी शूटिंग देखी जाएगी, कितना तगड़ा निशाना है, कितना तेज दिमाग है, ड्राइविंग स्किल कैसा है, तो उसी हिसाब से छाट छाट के ले जाता है। एनएसजी के कमांडो जो होते हैं, उनके जो ड्राइवर होते हैं, वो बैक गियर में भी गाड़ी को सेम स्पीड में चला लेते हैं। बैक गियर में हम लोग गाड़ी 20-25 को कहां चल पाएगा, 10-15-20 के बीच में आदमी चलाता है बैक गियर में गाड़ी, बहुत मुश्किल होता है। आजकल तो गाड़ी में बैक कैमरा दे दिया तो थोड़ा आसान है, कैमरा में देखते चलिए चलते रहिए, कैमरा टुक 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 बचा देता है, 5 मीटर बचल है, 3 फीट बचल है, 2 फीट बचल है, तो आजकल ये हो गया। मैं तो पहले जो जैसे झांक के निकलता था, अच्छा अच्छा हटिए हो तो लड़ गया उधर यहाँ। तो जो एनएसजी वगैरह के कमांडोज होते हैं, जो उसके ड्राइवर होते हैं, वो बैक गियर में भी गाड़ी को 50-60 की स्पीड में लेके भाग जाते हैं। अगर मुड़ाने का जगह नहीं है ना तो बाढ़ में जो मत मुड़ा होता है, बैक के गियर लाद के पूरा लेके चल जाएंगे आप, अब फुल स्पीड में सीधा करके निकल जाते हैं बहुत तेज। और उनकी ड्राइवर का पूरा वो होता है कि जितना दाहिना हाथ से गाड़ी चला सकते हैं उतना बायां हाथ से, अब पूरी ट्रेनिंग होती है कि भाई दी एक हाथ में गोली लग गया तो आप क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी, अब आप चलाइए अरे ये हाथ बाहर रहता है, देखिए ये हाथ इस साइड रहता है, कोई गोली चलाएगा तो इसके इंजूर होने की संभावना ज्यादा रहती है, हालांकि गाड़ी बुलेट प्रूफ रहती है, तो एक हाथ उनका रोक दिया जाता है पीछे, जब उनका टेस्ट दिया जाता है ना तो एक हाथ पीछे बांध देते, मतलब बांधता नहीं, मतलब टच करने नहीं देगा, बगलिया बैठे सेम स्पीड पे जितना ऑब्स्टिकल जितना रुकावट जितना पतला सड़क पे वो दोनों हाथ से ले जा रहा है ना, उतना एक हाथ से ले जाएगा, अब फिर इस हाथ से भी ले जाएगा, और सेम एक हाथ से बैक गियर में उतने स्पीड में ले जाना है, भागे जाना, मतलब समझिए वो Formula 1 रेस का ड्राइवर है, वहां पर हर चीज एकदम क्लियर कट रखा है, होना भी चाहिए। प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ लोगों के लीड कर रहे हैं वहां पर, किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री वो होता है किसका है? देश का। और हमारे जैसे देश में जहां पे दो दो प्रधानमंत्री की इतनी निर्मम हत्या हुई थी, राजीव गांधी का तो शरीर नहीं मिला था, पूरा चिथड़ा उड़ा दिया गया था, इंदिरा गांधी में 2-2 मैगजीन खाली कर दिया, जबकि जो जो जिन्होंने गोली मारा था ना उनको इंटेलिजेंस ब्यूरो ने हटा दिया गया था कि इनको सिक्योरिटी में मत रखिए, उनको कुछ ना कुछ भनक लगा होगा, लेकिन इंदिरा गांधी के वो बहुत वफादार थे, उन्होंने फोन करके बोला इंदिरा गांधी को कि हमको क्या हटा दिए, तो इंदिरा गांधी कही कोई बात नहीं लगा दो, लगाया अगले दिन लगा दिया। वो होता है मृत्यु जिस दिन आएगी ना कोई नहीं रोक सकता, जाना ही पड़ेगा एक दिन।